एजेंसियों ने दिल्ली पुलिस को अलर्ट भेजा है कि जैश ए मोहम्मद के चार आतंकवादी दिल्ली में दाखिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि चारों आतंकवादियों के पास हथियार भी हैं, इसलिए दिल्ली की हर अहम जगह पर पुलिस ने तलाशी शुरू कर दी। और दिल्ली में जहां देखो वहां पुलिस वाले मुस्तैदी के साथ खड़े हुए दिखने लग गए। किसी गाड़ी पर जरा सा भी शक हुआ तो गाड़ी रुकवाकर पुलिस वालों ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। तलाशी भी ऐसी कि गाड़ी में रखा हर छोटा सामान भी पुलिस वाले खंगालने लगे। एक एक चीज जो है गाड़ी में, जो डिग्गी खुलवाकर यहाँ पर चेक किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के जवान की पैनी नजर है। आतंकियों के निशाने पर दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली जगह है, मतलब कोई भी बड़ा मंदिर, बड़े बाजार या फिर ऐसी कोई भी जगह जहाँ लोग घूमने जमा होते हो, या फिर ऐसी कोई जगह जहाँ पर्यटक आते हो। ऐसी ही जगहों में एक अक्षरधाम मंदिर है। मंदिर की पार्किंग में पहुँचने से पहले पुलिस वाले हर गाड़ी को खंगालने लगे। जितनी भी गाड़ियां हैं, जो दिल्ली के बाहर की गाड़ियां हैं, वो दिल्ली में आ रही हैं, उसमें पूरी जो चेकिंग है वो प्रॉपर चेकिंग की जा रही है। पुलिस वाले गाड़ी के अंदर जाके, बसों के अंदर जाके चेकिंग कर रहे हैं। नवरात्र चल रहे हैं इसलिए देवी के मंदिरों में भी भारी भीड़ होती है, इसलिए कालकाजी मंदिर में भी पुलिस का पूरा बंदोबस्त कर दिया गया। महिलाएं मंदिर में ज्यादा पहुंचती हैं, इसलिए तलाशी के लिए महिला पुलिस की तैनाती अलग से की गई। पुलिस हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे कि कोई बड़ा हादसा ना हो, बड़ा हादसा को टाला जा सके और जल्द से जल्द उन जैश के चार आतंकियों को गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन पुलिस की चिंता यह है कि उसे तलाश उन आतंकियों को करना है जो दिल्ली में पहले से दाखिल हो चुके हैं। उनके निशाने पर कौन सी जगह है और वो दिल्ली के किस हिस्से में छिपे हैं, इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इसलिए दिल्ली की हर अहम जगह पर पुलिस चौकस हो गई। खास तौर पर दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, मतलब हरियाणा और यूपी से जोड़ने वाले रास्तों पर इंतजाम पुख्ता है। दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, दिल्ली पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं और हर जगह पर बैरिकेडिंग करके लगातार चेकिंग कर रही है। कुछ ऐसे बाजार भी हैं जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होती है, ऐसे बाजारों में पुलिस वाले खोजी कुत्तों के साथ पहुंच गए। निगरानी के लिए पुलिस दुकानदारों तक को जागरूक कर रही है। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने खुद बाजार में पहुंचकर दुकानदारों से बात की। अपने आने जाने वाले जो भी ग्राहक हैं, भीड़ रस्ते पर नजर रखी, तो वही आखिर में वही दो बातें हैं, संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तु, उस पर ध्यान देना। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली का पहाड़गंज भी है जहां चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। पुलिस के इनपुट को मजबूत बनाने के लिए खास तौर से कहा गया है और आगाह किया गया है कि किसी भी संदिग्ध की खबर मिलने पर उन्हें तुरंत सूचना दी जाए। और यही वजह है कि पुलिस की हर टुकड़ियां, चाहे वो वर्दी में हो या सादी वर्दी में हो, मार्केट के अंदर घूम रही हैं। ऐसे ही इंतजाम कनॉट प्लेस में भी किए गए। कनॉट प्लेस में तो विदेशी पर्यटक भी खूब पहुँचते हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि आम लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली फेस्टिवल को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी अलर्ट है और तमाम जो हमारे एंटी टेररिस्ट मेजर्स वो हमने लिए हुए, किसी को घबराने की जरूरत